ये करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे बारबल बेंट ओवर रो जो कि एक कंपाउंड मूवमेंट है उसको कंपेयर किया जा रहा है चेस्ट सपोर्टेड रो और सीटेड रो से जो कि दोनों आइसोलेटेड मूवमेंट्स हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आइसोलेटेड एक्सरसाइजेस हाइपरट्रॉफी के लिए कंपाउंड मूवमेंट से ज्यादा सुपीरियर हैं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि जो फंक्शनल बेनिफिट आपको एक कंपाउंड मूवमेंट प्रोवाइड करती है जैसे कि आपकी कोर की स्टेबिलिटी वो आइसोलेटेड मूवमेंट्स प्रोवाइड नहीं करती। उजेर के हिसाब से जब आप कोई भी चेस्ट सपोर्टेड रो करते हो तो ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है और अगर आप बारबल रोज कर रहे हो तो वो एक कंपाउंड एक्सरसाइज है। अगर हम चेस्ट सपोर्टेड रोज को देखें तो यहाँ पे आपके कितने सारे मसल्स काम कर रहे हैं, आपके स्पाइनल इरेक्टर्स को काम करना पड़ रहा है, आपके ग्लूट्स को काम करना पड़ रहा है आपको इस पोजीशन के अंदर मेंटेन करने के लिए, और उसके बाद आपके कितने सारे जॉइंट्स मूव कर रहे हैं। तो ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज कैसी हुई? और जब इस चीज को मैंने अपनी स्टोरी के अंदर पॉइंट आउट किया तो उजेर ने अपनी 21 मिनट की वीडियो को एडिट करके 20 मिनट का बना दिया। अब मैंने एक मिस्टेक को पॉइंट आउट किया तो इन्होंने अपनी 1 मिनट की वीडियो हटा दी, और अगर मैंने पूरी वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्ड किया तो शायद ये अपनी पूरी वीडियो ही डिलीट कर देंगे।